आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान विद आरजे पुलकित के साथ। सो हाय गाइस, दिस इज पुलकित, वेलकम टू माय शो टॉक लिया फॉर रेडियो उड़ान एंड माय टॉपिक लेस चफरी। जो मेरा शो आता है मेरे पॉडकास्ट पे। तो आज हम बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी से बात करने वाले हैं, बिकॉज भाई वो एक सिंगर है एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर है। एंड मेरे को बहुत मजा आता है जब मैं किसी सिंगर को अपने साथ जब मैं लाइव लेता हूँ और जब मैं ऐसे उनके इंटरव्यूज करता हूँ, आई जस्ट फील वेरी यू नो एनर्जेटिक। बिकॉज एक तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, प्लस यू नो बहुत नेगेटिविटी है आसपास के हमारे एनवायरनमेंट में, तो हमें कुछ पॉजिटिव लोग चाहिए ना। तो मैंने सोचा चलो आज हम किसी पॉजिटिव बंदे से बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं और उनसे उनके कुछ एक्सपीरियंस सुनते हैं। तो आज मेरे साथ हैं वेरी वेल यू नो अमेजिंग सिंगर, मैं बोलूँगा सुप्रांशु खन्ना, जो एज आई टोल्ड यू एक सिंगर है एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर है। तो हाय सुप्रांशु, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया भाई, आपके नाम में सुपर है तो आई गेस सुप्रांशु तो आप वैसे ही हैं और आप सुपर भी हैं लग रहा है आपकी शक्ल से। थैंक यू। हाँ मैं बहुत ज्यादा सुपर हूँ। वैसे मेरे नाम का मतलब बाकी को पता नहीं है ज्यादा, मेरे को भी नहीं पता, प्लीज बताएं हमारी ऑडियंस को बताएं क्या नाम है आपको। मतलब उसका मतलब है मैंने मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स से ही पूछा था तो फिर उन्होंने यही बताया था कि द वन हु इज प्रीशियस देन द लाइफ। सो एग्जैक्टली, तो अब मैं कितनों की जान हूँ वो नहीं पता मेरे को, क्योंकि यू नो आर्टिस्ट के फैंस तो बहुत होते हैं स्पेशली। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। हमारे बहुत फैंस होते हैं, हमारे क्या मेरे भी होंगे, आपके तो होंगे। बिल्कुल हैं, मैं भी हूँ आपका, जब मैंने आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी। थैंक यू, यू पोस्ट वेरी फनी पोस्ट। थैंक यू। एक्चुअली मतलब यू नो हमारे पास नेगेटिव होने के बहुत कारण है एक्चुअली, तो क्यों ना हम जो थोड़ी बहुत हमारे पास छोटी छोटी चीजों में खुशियां हैं हम उनको सेलिब्रेट करें इंस्टेड ऑफ गेटिंग सैड ऑल द टाइम, कोई फायदा नहीं। तो हमने सोचा कि चलो लेट्स मेक दिस वर्ल्ड लिटिल बेटर प्लेस, थोड़ी बेटर प्लेस हो जाए तो जीने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो सुप्रांशु कुछ अमेजिंग म्यूजिक आजकल क्रिएट कर रहे हो लॉकडाउन में? बिल्कुल कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली दो म्यूजिक बना ही रहा हूँ। होल्ड, ये सरप्राइज अभी नहीं खोलेंगे, लास्ट में खोलेंगे। ठीक है, ये लास्ट में खोलना, अभी नहीं, अभी मेरी ऑडियंस को आपके बारे में जानना है लास्ट में। बिल्कुल, सारे रास्ते जाने लगे तेरी ओर, दूर जितना भी जाए दिल चाहे तुझे तुझे मिले तो दिल कवे रहना नहीं, मैं बिन तेरे जेड़े भी साडे भी छोड़े पर भूल जा सारे, मेरे को लुकाया ना कर अंज मन तू सताया ना कर, अज सारे दुख सुख भूल वे कदी ते हस बोल वे सितारे तेरी राह पे रख दिए, भूल के इस जहां को तेरी चाह में ही दिए, बिन तेरे हूं गुजारा नहीं, तेरे
तो कोई प्यारा नहीं कर दाए गल्लार कोई हूँ तेरे बारे झूठा नहीं मैं सुनते सही पढ़ा नहीं दिल देते सही ना लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं. एज इन पहले ये था कि एज इन जैसे होता है ना कि सबकी तरह भाग रहे हैं पैसे के पीछे सक्सेस के पीछे फेम के पीछे, बस ऐसे ही चल रहा था कुछ. मतलब एक शांति होती है ना वो नहीं मिल रही थी, पीस लाइफ में मिसिंग है ऐसा लग रहा था. सो बस वो जैसे ही मार्च 2020 स्टार्ट हुआ एक महीने का थोड़ा समझा, उसके बाद अप्रैल से थोड़ा स्टार्ट किया कि लाइफ होती क्या है एक्चुअल. तो वो थोड़ा समझ आया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया बहुत. और वो लॉकडाउन वन था, ये 2.0 जो आया है वो कैसा गया? 2.0 अगर देखा जाए वैसे तो बहुत ज्यादा पहले से बहुत ज्यादा वर्स्ट है, यू नो, क्योंकि एक्चुअली क्योंकि देखा जाए तो मेरी फैमिली मेरे नोन में 15-20 डेथ्स हो चुकी हैं अभी तक. सो हाँ ड्यू टू कोरोना. बट अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो वही है कि जान पहचान, मतलब एज इन लोगों से कम्युनिकेशन बढ़ गई है, फोन पे बातें हो गई हैं कि हाउ आर यू एंड ऑल, है ना. क्योंकि हाल फिलहाल में यही था कि इतने बिजी थे सब कि कोई पूछ नहीं पा रहा था अपनी लाइफ में, इतने बिजी थे ना. सो ऐसा चल रहा है अभी. और बाकी म्यूजिक तो चल ही रहा है. इसमें पहले तो यह था कि बाहर आसपास के भी काम होते थे, गिग्स होती थी, लेकिन अब सिर्फ प्रोडक्शन में ही फोकस है कि जैसे ही लॉकडाउन खुले और फटाफट गाने निकालने. ओह नाइस. इवन मैंने देखा है आपके, जैसे आपने परफॉर्म भी किया हुआ है आपके, मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखा, काफी क्रेजी पब्लिक है आपके, जब सुनने आती है आपको. थैंक यू. रिएक्शन उनका क्रेजी होता है, ओह आवाज बोल आवाज बोल काइंड ऑफ थिंग.
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है यार, आपने सिंगिंग ही क्यों चूज करी? आपके बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट व्हाई सिंगिंग? लाइक आप ऐसे स्टेजेस पे जाते हो और वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है यार, वो हाउ टू गेन दैट कॉन्फिडेंस स्टेज पे जाने का? फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डिडंट हैव दैट आइडिया कि आई विल चूज सिंगिंग प्रोफेशनली. I was doing since like you can say since I was born, because I inherited from my father. Okay. वैसे थोड़ा मेरा हिडन टैलेंट भी है, पेंटिंग एंड ड्राइंग स्केचिंग का, वो मैंने मम्मा से इनहेरिट किया मैंने. सो मैं मतलब फैमिली में क्रिएटिविटी मतलब चली आ रही है, तो वो तुम्हारे पास पहुंच गई. ये वैसे मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं बताया, ये पहला इंटरव्यू है जिसमें मैंने बताया कि मैं पेंटिंग और स्केचिंग भी करता हूं. तो चलो भाई, अगर किसी का स्केच बनाना है तो ये अवेलेबल है. सो आई वाज सेइंग कि था ये ऐसा, और इसके बाद कॉलेज में ऐसा लगा कि यार परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि स्कूल में तो थोड़ा बहुत चलता रहता था, लेकिन जब बैंड फॉर्म हुआ थर्ड ईयर में, फिर कॉलेज में परफॉर्म किया, उसमें से थोड़ा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली जब स्टार्टिंग में होती है आई वाज नॉट गुड एट डिबेट्स एंड ऑल. सो वही ना, कॉन्फिडेंस कैसे आया, मतलब ये हाँ ऑब्वियसली यार करते करते आ जाता है. आई ऑलरेडी हैव डन अप्रोक्सीमेटली 350 gigs टिल नाउ. I'm like doing professionally since 2016. Yeah. Nice. को रात भी वो याद है मुझको, हर गिनते गिनते सो गया, दिल मेरा धड़का था किसके, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पर तेरा हो गया. आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में. आजमाले मुझको यारा, तू जरा सा कर इशारा, दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे रास्ते. मेरे जैसा इश्क में पागल, फिर मिले या ना मिले कल, सोचना क्या हाथ ये दे दे मेरे हाथ में. कुत्ती मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात.
धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है भाई, प्रैक्टिस वो होता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और एंड सिंगिंग में आप कैसे आए, मतलब सिंगिंग लाइक क्या आपको बैंड में थे इसलिए या आपको इंटरेस्ट जागता गया धीरे धीरे करके, कैसे हुआ? नहीं, सिंगिंग में तो स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, लेकिन प्रोफेशनल स्कूल के बाद आई डिड like loan from the Gandharv Mahavidyalaya and फिर मैंने थोड़ा ड्रॉप कर दिया था because of the studies and all, फिर दोबारा मैंने स्टार्ट किया। हाँ जी, so सिंगिंग मेरी उसी से ही इम्प्रूव हुई है और परफॉर्म करते करते कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, परफॉर्म करते करते सिंगिंग स्किल्स इम्प्रूव हुई हैं। इनफैक्ट जब मैं पहली वीडियोज देखता ना 5 साल पहले की, so अच्छा ऐसे What have I done? हाँ, like, why? The cringy things I have done. It's okay. Even I have created videos like, for example, Dust Smash वगैरह आते थे and उस time पे I created videos ना। क्या कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? मैं तो अभी भी तो वही कर रहा हूँ। But ठीक है, थोड़ा सा developed version है, but fine. सीखते इंसान बड़ा होता है। Exactly. तो बहुत अच्छी बात है, मतलब it's okay, it's a part of life, yaar. Keep creating such music and music se hi aap apne jo dimag ka jo burden hai na wo kam ho jata hai, mere ko lagta hai. Main to bahut music sunta hu actually, it really helps. Okay, true and yahan to puri life hi music pe jati hai 24 ghante but at least you are more positive person among us, I guess, if you are in like you are creating thank music you. And you into music, so I think aapko tension zyada nahi rehti, aapko ye rehta hai ki aap music se apna mood shant kar lete ho. True, that's true. Bilkul. Okay, wo keh sakte ho na ki jo shabd bayan nahi kar sakte wo sangeet kar sakta hai. Bilkul. Okay, who was your inspiration and why? Inspiration, like, can't say that my father, because I inherited from him, or due to his responsibilities, he didn't pursue passion. So I thought ki, theek hai, I'll never give up. Jaisa bhi hota hai. क्योंकि आर्टिस्ट की लाइफ में एंजाइटीज डिप्रेशन यू नो इट्स कॉमन, वेरी कॉमन, ऊपर नीचे होता रहता है. सो या इसीलिए थोड़ा अपने आप को बस यही है कि गिव अप नहीं करना, इंस्पायर्ड रहना हमेशा, सो पॉजिटिव लोगों से मिलना है, पॉजिटिव चीजें देखनी है ताकि माइंड काम रहे और एंजाइटी जितनी कम हो सके, ऑब्वियसली होती है, सबको होती है नॉर्मल, ये एज ही ऐसी है 20-30s की कि एंजाइटी बहुत नॉर्मल है, कॉमन है, यू कैन अंडरस्टैंड. या आई कैन अंडरस्टैंड एंजाइटी का पुतला हूं मैं, डोंट वरी, और एंजाइटी होती है, आई कैन लाइक कुछ भी अगर कुछ सेकंड की कोई ऐसी बात कुछ अगर नेगेटिव सुन लेता हूं तो आई जस्ट वेरी प्रेशराइज्ड, मेरे बहुत होती है. आई जस्ट ट्राई कि मैं उसे दूर रहूं. मैं बता रहा हूँ ना, मेरे 3 हफ्ते बड़े बुरे गए हैं जो मैं कोविड था उसमें, तो एंग्जाइटी का यू नो डबल हो जाता है उस चीज में. या आई कैन अंडरस्टैंड कि एंग्जाइटी क्या चीज है एंड इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ इट. सो बट या वो चीज से हटने के लिए पॉजिटिव साइड चूज किया कि म्यूजिक और सिर्फ क्रिएटिविटी. ओके, चलो कोई नहीं, बट आई थिंक आप हां जी बोलिए बोलिए. दैट लाइक आप भी आरजे हैं तो लोगों को हंसाना आपका काम है, एंटरटेन करना आपका काम है, यू आर एन आर्टिस्ट एज वेल, सो आप भी पॉजिटिविटी की तरफ ही हैं. एक्चुअली सच्ची बताऊं, अभी मैंने कुछ कारणवश 1-2 वीक मैंने आरजे नहीं करी, तो आई जस्ट यू नो
आई जस्ट अंडरस्टूड द पेन ऑफ आरजेस कि हर रोज उनको कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ता है, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा कुछ आ जाए, तो ये नीड टू बी आर्टिस्ट की लाइफ में, यू नीड टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम. एंड आई एम लाइक, अब मुझे आगे समझ आ रहा है, दिस इज रियली टफ जॉब, यू नो, मतलब नॉट एवरी डे इज योर डे. एक्चुअली लोगों को एंटरटेन करना ही बहुत लाइक इट्स अ टास्क, नॉट वेट ना, नॉट एवरी डे इज योर डे, मतलब हर दिन आपका नहीं होता, कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कुछ आपके कुछ लाइफ में ऐसा कुछ घटा होता है और आपको पॉजिटिव हो जाना है एकदम से, इट विल इट टेक्स लॉट ऑफ करेज फॉर डूइंग ऑल दिस. ਹੋ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਬਈ, ਹੋ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲਾਸੀ ਪੰਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਬਈ, ਹੋ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਬਈ, ਮਾਰ ਕੇ ਗਲਾਸੀ ਪੰਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਬਈ, ਹੋ ਜਾਵੇ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹਾ ਚੜਦਾ, ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹਾ ਚੜਦਾ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਦਿਲ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਦਿਲ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ तो मतलब इंस्पिरेशन एक तो घर वालों से बहुत अच्छी मिली आपको, कोई ऐसा बाहर से कोई आपका रोल मॉडल, कोई समथिंग लाइक दैट? ऑब्वियसली स्टार्टिंग से ही अच्छे आर्टिस्ट को सुनने को मिला है, सोनू निगम हो गए और है ना किशोर कुमार जी हो गए, मोहम्मद रफी साहब हो गए, तो इन सबको ही लेके थोड़ा, और पंजाबी इंडस्ट्री मुझे पंजाबी गाने तो पसंद है ही, तो गुरदास मान जी हो गए, और अगर हाल फिलहाल में देखे तो अरिजीत सिंह है, निंजा है, तो ये अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं. नाइस, मास्टर सलीम, हां जी, वेरी नाइस, बहुत सही, बहुत सही, मतलब इनको तो सुन के पूरा मेरा तो बचपन आए थे, पूरा बचपन बीता मैंने इनका सुन के, मैंने इन्हीं लोगों को सुना, और आज भी मतलब अगर आप बात करें पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्रीज की बारे में, बात करें पर गुरदास मान है, तो इनके गाने आजकल भी जनरेशन को भी सुनती है, एंड आई फील सो प्राउड कि हम ऐसी कंट्री से हैं जहाँ पे इतनी वैरायटी है, नाम सुन के ही गूज़बम्स आ जाते हैं, और हमारे देश में इतने वैरायटी वैरायटी के टैलेंट है हमारे देश में, और इतने ब्रिलियंट सिंगर हैं,
दो हमारे वैसे कंट्री के लोग हैं जो इंटरनेशनल जाकर इंटरनेशनल आर्टिस्ट को बहुत पसंद करते हैं. दे आर वेरी नाइस, आई डोंट से दे आर नॉट गुड, दे आर ऑल्सो हार्ड वर्किंग, बट मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश में भी इतने म्यूजिशियन इतने तगड़े तगड़े हैं ना कि मजा आ जाता है. मतलब टैलेंट हमारे देश में बहुत है, बहुत है. True, true, true. तो या मतलब दीज आर द लेजेंड्स जिनका आपने नाम लिया, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है. एंड आई लव देम ऑल. मेरे को म्यूजिक पसंद है, इसलिए मैं किसी के साथ कोई ऐसा ये नहीं कहना चाहता कि मेरे को ये पसंद है, वो नहीं पसंद. मेरे को सब पसंद है भाई. गाने सुनना इट्स लाइक माय, मतलब मेरे को खून मत चढ़ाओ, मुझे एक म्यूजिक सुना दो, मेरा खून वैसे बढ़ जाएगा. इट्स लाइक दैट. ओके ओके ओके. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Who's your favorite? Like, what is your favorite song? And like, कोई आपका ऐसा आपके मुंह पे चढ़ जाता होगा मॉर्निंग में जब आप उठते होंगे, कोई मुंह पे कोई सॉन्ग आया वो चढ़ गया, या कोई ऐसा कुछ ऐसा ट्रैक सुन लिया कहीं पे कुछ, मतलब ऐसा कोई फेवरेट सॉन्ग जो आप सुनते नहीं थकते और आप लोगों को सुना, लोग सुनते नहीं थकते और आप सुनाते नहीं थकते. कोई ऐसा सॉन्ग जो आप हमारी ऑडियंस को आज सुना सको अपने किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, अगर आपके पास हो तो अभी. शो वैसे तो मतलब ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे फेवरेट है. बट स्टिल वन ऑफ योर लाइक आज का मेरा जैम, फेवरेट आज का मेरा जैम, फॉर एग्जांपल आज का मेरा जैम क्या है? ओके श्योर, लेट मी प्ले फॉर यू एंड द ऑडियंस. देख ऑडियंस, आप आज गाना सुना रहा हूं मैं. थोड़ा पंजाबी है. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. वैसे तक ख्याल वे तू अपना, मेरे बिना रखना सिखया नहीं, जदों मेरे बिना रहना पैना है, हाले ओ वक्त तेनू दिसया नहीं, सहारा कोई देवे ता है एहसान ना लई, दुख पूछे जे कोई तेनू मेरा नाम ना लई, हो निर्माण जोंदे जीना मर जाई वे हाय, रोही ना याद मेरी आई वे, अखाना पर आई वे, खोया की जे तू हो मैं तो दूर हो गया, सुपना दोहा दा चूरो चूर हो गया, तेरे नाड़ रहूं मेरी परछाई वे हाय, रोई ना जे याद मेरी आई रे, खुश रहे अखाना पर आई वे. Thank you. Awesome. What a brilliant song. हालांकि मैंने song शायद पहली बार सुना, but हाँ actually मतलब शायद मैं सुना भी हो, थोड़ा सा कम knowledge है मेरी पंजाबी में, पर सुन लेता हूँ. बट होते मैं वैसे like for example जैसे एक मेरा favorite song है, अगर आप बजाना चाहें please, छल्ला by Gurdas Mann, please can you play? Okay, sure. I don't remember the lyrics actually. Let me find. मतलब मैं गा देता हूँ. छल्ला लगता सोना में, छल्ला लगता सोना, ऐसे something like that. हाँ ऐसा. In fact अभी वो वाला song मेरा viral हुआ था, तेरी खुशियाँ, if you have heard that, okay, रक्षा बंधन वाला. हाँ हाँ मैंने सुना था, मैंने मैंने आपका वो सॉन्ग सुना था, बहुत प्यारा था वो सॉन्ग. थैंक यू, मतलब वाओ, थैंक यू सो मच. सो दो चार लाइन है, मैंने सुना बहुत है लेकिन लिरिक्स याद नहीं आ रहे. कोई नहीं, आपको जितना आता है आप गा दीजिए, हम
तैयार है। ओ चला कूते दरिए, चला कूते तरिए, गला मूते करिए, वे सच्चे रब तो डरिए, वे गल सुन छलिया ढोला। अल्लाह बेली में मेरा मोला बेली, अल्लाह बेली में मेरा मोला बेली। This is the track. This is just for you. thank you so much. Because अगर आपने like आपने गुरदास मान की बात कही तो मेरे माइंड में वही गाना सीधा actually उनका एक वो टर्न करके बजा। बस ये और एक वो जो सच्चे बादशाह वाहेगुरु हाँ की बन दुनिया दा है की बन दुनिया दा दलजीत दोसांझ के साथ लूप पे सुना लूप पे दलजीत दोसांझ के साथ मतलब वो जो लजारो कोक स्टूडियो क्रिएशन बाय गॉड वाओ अजुरां जे किराए ते ले लेके हीरा इश्के दी चादर करी जान लीरा होटल दे बेले च चूरी खवा के ए मच्छियां चराणी किधर जा रही है ए चढ़दी जवानी किधर जा रही है ए हुस्नो दीवानी किधर जा रही है ਹੋਰਾ ਵੀ ਤੋ ਚਨਾ ਪੁੱਛਦਾ
ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਤੋਂ ਚਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹਾਲੇ ਸਤ ਲੁਜਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲੇ ਸਤ ਲੁਜਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਪਿਛੋਰਾਂ ਦੇ ਓਏ ਪੈਂਦੇ ਦੂਰ ਪਿਛੋਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਦੂਰ ਪਿਛੋਰਾਂ ਦੇ ਓਏ ਪੈਂਦੇ ਦੂਰ ਪਿਛੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੋ ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਪੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਢਾਈਦੀ ਹਰ ਪੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਢਾਈਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਕੜਕਣ ਹੱਡੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਡਮਰੂ ਸ਼ਾਸਤਾ ਨੇ ਮਾਰਨੀ ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦਿਲ ਮਿਲ ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਕਿਤੇ ਲੜਦੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਮਾਨਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਾਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੀ ਬਣੂ ਹੋ ਕੀ ਬਣੂ ਹੋ ਕੀ ਬਣੂ ਹੋ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਗਰੂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਗਰੂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ये हो गया आपका सॉन्ग फेवरेट आर्टिस्ट एंड ऑल दिस ओके अभी तक का कोई ऐसा कमेंट जो आपका यू नो आपको रोज सोशल मीडिया पे मिलते हैं आपको चाहे फीडबैक्स हो चाहे हार्ड कमेंट्स हो चाहे सॉफ्ट कमेंट्स हो ठीक है तो आपको अभी तक का कोई बेस्ट कमेंट जो सीधा यहाँ लगाओ यहाँ 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 दिल पे यू नो बेस्ट एंड अभी तक का वर्स्ट कमेंट जो यहाँ लगाओ एक दिल पे लगता है और एक यहाँ पे लगता है यहाँ वाला जो होता है नेगेटिव कमेंट कभी कभार हो जाता है यहाँ पे लगता है वो दिल पे होता है तो दिल वाला बताओ बेस्ट दिल बहुत सारे एप्रिसिएशन मिलती है पर जिससे आपकी आंखों से आंसू आ गए सुन के ऐसा वाला So, वो तो उस सॉन्ग पे मिले हैं जो सिस्टर ब्रदर वाला सॉन्ग है रक्षाबंधन वाला उसी पे इतने अच्छे कमेंट्स आए हैं लाइक लिटरली समवन सेड कि मेरी बहन की शादी है और मतलब हाँ और मैंने ये गाना लूप पे चलाया उसकी मतलब और लाइक उसके आंसू से आंसू नहीं रुक रहे थे तो दिस वाज लाइक कि बहुत ज्यादा कनेक्ट किया इस गाने ने लोगों के दिलों पे हाँ जी और इनफैक्ट once like I was really happy to see that comment because like that was my first celebrity comment on my post Arup Kumar Rathod ji ne comment kiya tha for that I posted that in a dino dil mera so yeah for this song he commented so that was like
I was really happy to see that. Because normally, as in friends वगैरह, fans वगैरह appreciate करते हैं, but एक musician वो भी इतने अच्छे level के, उन्होंने appreciate किया, so बहुत अच्छा लगा कि yeah, I am on a wrong, I'm not on a wrong direction, I'm on a right direction, है ना? Wow. So, फिर उसके बाद over motivation मिलता है कि भाई give up नहीं करना. एक्चुअली अगर जैसे आपको अगर एक आधा भी कोई ऐसा सिंगिंग आर्टिस्ट अगर आपको कोई ऐसा कमेंट कर देता है ना, या कोई आपकी फील्ड का कोई बंदा कमेंट कर देना यार दैट वाज ब्रिलियंट, तो आपको लगता है कहीं यार आई एम डूइंग समथिंग गुड, समथिंग गुड एंड दैट रियली इम्पैक्टिंग, एंड बहुत मजा आता है ऐसे कमेंट जब आते हैं ना. तो यार ऐसी बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम और अच्छा बनाओगे और अच्छा म्यूजिक दोगे और अच्छे लोग और लोगों को के साथ आप जुड़ोगे, एंड आई एम श्योर आप इंडिया में भी कोलैब करोगे, एंड इंशाल्लाह एक दिन आप इंटरनेशनल भी कोलैब करना और मुझे भी जरूर याद रखना. पक्का याद रखना यार.
ओके ओके ये हो गया आपका अभी तक का वर्स्ट कोई कमेंट कुछ कुछ भी नहीं अभी तक वर्स्ट कमेंट लाइक उससे भी मतलब एज इन वैसे ये नहीं कह सकता बिल्कुल ही वर्स्ट है लेकिन ऐसे हैं कि हाँ उनसे और ग्रो करने की मोटिवेशन मिलती है कि चैलेंज अपने आप को फिर मिलता है कि नहीं भाई अब तो करना है ये तो करना है कोई ऐसा जिसने कुछ आपको कहा हो आपके कमेंट्स में आप आपके लिए कुछ नेगेटिव कुछ लिखा हो लाइक सिंस लाइक माय चाइल्डहुड आई यूज्ड टू सिंग हिंदी सॉन्ग्स मोर अच्छा बट पंजाबी सॉन्ग्स लेस सो किसी ने मुझे बोला था कि पंजाबी नहीं गा सकता मैंने कहा आई एम पंजाबी कैसे नहीं गा सकता तो इट्स लाइक एक चैलेंज आ जाता है भाई लाइक हाउ कैन यू से दैट मतलब ये मेरी मदर टंग है एंड जस्ट चैलेंजिंग मी टू लाइक मैं ये नहीं कर सकता वो लोग कैच करते कोई इग्नोर इग्नोर देम अगर आई वैसे ऑब्वियसली हेटर्स बहुत होते हैं उस गाने पे भी लाइक अराउंड 5 मिलियन होने वाले हैं ऑर्गेनिक और इतने सारे लाइक्स हैं बट डिसलाइक्स भी होते हैं सो हेटर्स आर ऑलवेज देयर टू क्रिटिसाइज यू एंड इफ यू टेक दैट इन अ पॉजिटिव वे एक्चुअली होता है ये आपको पसंद करने वाले बहुत है आपको ना पसंद करने वाले बहुत है इट्स ओके इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ आप अगर नहीं पसंद करते तो आप जय राम जी की क्या हुआ आगे नहीं सुनो लीव इट बट ये किसी ने सच्ची कहा है अगर आपके पास मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके पास 10,000 लाख मतलब करोड़ कितने भी आपके कुछ भी फॉलोअर्स हैं नंबर्स आपके आपके वो जो सुनने वाले अगर आपको 5 लोग भी 10 लोग 15 लोग चाहे वो 1,000 के ही लोग हो वही आपकी एक प्योर फैन फॉलोइंग एक्चुअली वैसे ही आजकल बहुत नंबरिंग सिस्टम हो गया है कि ये अच्छा आर्टिस्ट है अगर इसके नंबर व्यूज आ रहे हैं तो इससे वैसे मैं थोड़ा एनॉय हो जाता हूं आई डोंट थिंक सो ट्रू फैंस होने चाहिए आई डोंट थिंक सो कि देयर आर सॉन्ग्स व्हिच आर लाइक यू नो कभी मैं सुनता कुछ ऐसे सॉन्ग हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं होते एंड उस पे भी लोग एंड दे वर लाइक वाओ व्हाट अ सॉन्ग आई लाइक नहीं यार मुझे पसंद तो ऐसा नहीं आया बट ठीक है तुमको आया हो तो इट्स ओके हर किसी की अपनी अपनी पसंद है गाइस मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आपकी नहीं सबका अपना अपना टेस्ट है वी कांट हां कैन से तो मतलब मारना मत ना कूटना मत रो रही हूँ मैं।
ओके ओके ये हो गया आपका वर्स्ट एंड जो गुड एंड बैड ठीक है लाइक एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू योर फैन हु आर लिसनिंग हु आर हु इज वाचिंग यू वांट टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ मैसेज टू योर फैन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली कुछ मैसेज देना चाहोगे भैया जस्ट लाइक अपना पैशन फॉलो करते जाओ और अपने ड्रीम्स को कभी सैक्रिफाइस मत करो डिपेंड्स ऑन अ पर्सन टू पर्सन बट गिव अप कभी नहीं करना और अपने लाइक कीप सपोर्टिंग कीप लविंग कीप ब्लेसिंग बिल्कुल और इनके चैनल को भी सपोर्ट कर लेना और The boy on Bat Mobile yes. on Instagram yes. as well. yes. And if you're watching this video, then you can subscribe also. जो मैं नहीं बोलता अब इन्हें बोल देते तो बोलना पड़ेगा ना. हाँ नहीं नहीं खुद नहीं बोलना ऐसा लगता ना यार खुद नहीं बोलना. यार बाहर नहीं क्या जाता. बाहर बाहर नहीं बोला जाता. हाँ. बाहर बाहर नहीं बोला जाता. आप कर देना. और मेरे भी सुप्रांशु खन्ना पे. Instagram पे भी follow कर लेना और इस पे भी YouTube पे भी. क्योंकि मेरे को तो पहले मेरे को तो नाम याद करने में मेरे को एक दिन लग गया था अच्छा मेरा मेरा ये द बॉय ऑन दैट नहीं दैट्स इजी लाइक मतलब एक मेरे फ्रेंड ने बताया था तो मैं क्या मैंने पूरा पढ़ा ढंग से फिर मैंने नहीं इसकी भी स्टोरी है यू कैन वी कैन सी दिस टी-शर्ट ना यू नो दिस इज थोड़ा पीछे है तो बैटमैन टी-शर्ट एंड जो जो बैटमैन की जो कार है ना उसको बैटमोबाइल बोलते हैं सो आई जस्ट कंसीडर माय व्हीकल एज माय बैटमोबाइल सो दैट्स व्हाई आई एम अ बॉय हु इज बैटमोबाइल दैट्स द रीजन आई जस्ट गिव माय सेल्फ दिस नेम जो शायद बहुत लोग पूछते हैं क्या मतलब क्या क्रिंजी सा नाम है क्या क्या ना क्या नाम है एके आपके लिए तो अब सुप्रांशु ऐसे तो नहीं गाने दे सकता आपको आप बिना गाए और एक गाना आपने गा दिया और एक और नहीं गाओगे व्हाट इज दिस यार कम ऑन मोर है ना उससे जाने से पहले अब हमको ये बता दो कि अब आपकी क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये बता दो फिर आप गाना हमको सुनाओ I'm like I was doing covers and I was uploading covers and now I'm working on my originals so अभी हाल फिलहाल में कवर्स नहीं बंद होने वाले तो आई एम वर्किंग ऑन दैट एज वेल और कोलैबोरेशंस भी चल रही हैं और लाइक नेक्स्ट वीक से ओरिजिनल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे क्या काम करना तो स्टार्ट हो ही जाएगा तो होप फॉर द बेस्ट आप सबका प्यार मिलता रहे तो जल्दी रिलीज होएगा कुछ आपको जो आपके दिल को लगा हो आजकल मेरे को इस गाने पे मतलब बहुत सारे कमेंट्स मिले कि that suits on your voice so माहे मनु छड़े ओ ना के तेरे बिन दिल नहीं लगना जिथे भी तू चले आ माहे मैं तेरे पीछे पीछे चलना तू जी सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं कोई दूसरी मशरता भी रखदा नहीं क्या तेरे बाजू मेरा सच्चियां मोहब्बता वे ओ माही किते और नहीं मिलना जिथे भी तू चले आ माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना है ओ माही रे ओ माही रे थैंक यू
तो गाइस ये थे हमारे साथ आज की पर्सनालिटी जो आपके साथ इतना मजा किया सुप्रांशु और मैंने इतने सॉन्ग सुने आपसे बहुत मजा आया मुझे सच बता मुझे बहुत मजा आया गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर थैंक यू सो मच इन फ्यूचर अगर आपको लगे कि मेरी आपको जरूरत है तो आई एम अवेलेबल आप मेरे साथ ऐसे ही गप्पे मार सकते हैं और अपना कुछ भी अगर आपको प्रमोट करना है तो आप मुझे याद कर सकते हैं तो गाइस अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ ऐसी बातें करना चाहते हैं और ऐसी ही गप्पे मारना चाहते हैं और अपने आप अपनी पैशन के बारे में बताना चाहते हैं तो वेट कैसा subscribe my channel and contact me on my Instagram handle the boy on batmobile and please subscribe Supranshu Khanna also because next week se bhai entertainment shuru hone wala hai bahut sare songs dalne wale hain and thank you so much Supranshu for joining thank us so and it was a pleasure to have you here and maza aa gaya and same so let's meet someday fir milenge hum aise hi fir कप्पे मारेंगे और फिर दोबारा हम ऐसी धमाल मचाएंगे तो थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना ख्याल रखिएगा एंड दुआ में याद रखिएगा थैंक यू सो मच बाय